अगर आप भी राजस्थान बोर्ड की 20 साल पुरानी मार्कशीट चेक करना चाहते हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड का 10वीं और 12वीं का 20 साल पुराना रिजल्ट ऑनलाइन चेक करना चाहते हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना। ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको गूगल में आपको टाइप कर देना BACR, यहाँ पर इस तरीके से आपको टाइप कर देना और एंटर आपको कर देना। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लिखा आपको मिल जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से देख ले, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डेली व्यू रिजल्ट और यहाँ पर सेलेक्ट ईयर सेलेक्ट एग्जाम, यहाँ पर रोल नंबर, इस तरीके से ये पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर 10वीं का रिजल्ट निकालना, तो आपको करना क्या, जब भी आपने यहाँ पर 10वीं पास की थी, कौन सी ईयर में आपने पास की थी, वो ईयर आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सेलेक्ट एग्जाम, यहाँ पर इस तरीके से आपको देख लीजिए सेकेंडरी मेन एग्जाम में अगर पास हुए, सेकेंडरी यहाँ पर सप्लीमेंट्री से आप पास हुए तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में अगर 12वीं से आप पास हुए तो SRS यहाँ पर देख लीजिए मेन एग्जाम, यहाँ पर इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना। उसके बाद में सप्लीमेंट्री से पास हुए तो इसको आपको सेलेक्ट करना। जैसे मैं आपको यहाँ पर 10वीं का रिजल्ट निकाल के आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में 12वीं का रिजल्ट निकाल के आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर सेकेंडरी मेन एग्जाम, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको करना का, यहाँ पर आपके जो भी रोल नंबर है यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर आपको डाल देने। जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रोल नंबर डाल दिए, यहाँ पर तीनों चीज आपको जैसे आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी रिजल्ट यहाँ पर इस तरीके से आपको पर देखने को मिल जाएगा। आपकी मार्कशीट यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज, उसके बाद में टोटल मार्क्स, यहाँ पर सारे के सारे डिटेल आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से DOB, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको कम्प्लीट, यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पर माता का नाम, उसके बाद में रोल नंबर, यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोड, यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर आपको डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 12वीं का रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से आपको जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इसको रीसेट आपको कर देना। यहाँ पर रीसेट करने के बाद में यहाँ पर देख लिए इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर आपको खाली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैक लेके आपको यहाँ पर रीसेट आपको कर देना। जैसे आप रीसेट करोगे यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सेलेक्ट ईयर, कब आपने पर 12th पास की थी, कब आपने पर 12वीं पास की थी, जैसे मैं यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में सेलेक्ट एग्जाम, यहाँ पर आपको सेलेक्ट एग्जाम आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर दिले सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर इस तरीके से मेन एग्जाम, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको 12th के यहाँ पर आपको रोल नंबर आपको डाल देना। जैसे मैं पर रोल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैंने पर रोल नंबर यहाँ पर डाल दिया, डालने के बाद में आपको करना का सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबमिट आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका 12वीं का रिजल्ट आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस तरीके से आपका नाम, पिताजी का नाम, मदर नेम, यहाँ पर सारी के सारे यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। पूरा का पूरा यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेली ग्रांड टोटल पास, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर सारा का सारा आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आप 20 साल पुराना यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पर डेली सेलेक्ट ईयर, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इस तरीके से 2001 से लेकर और यहाँ पर आप आज तक यहाँ पर 2020 तक यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सारा का सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को। धन्यवाद।